सो हे आई यार, तो क्या हाल चाल है आप सब? क्या आई होप कि आप लोग अच्छे और एक्टिव मिस मकर मिस मैं ही रही ना। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाले हूँ सेप्टेम्बर वन का वापस का फुल रिव्यू। एक्चुअली फिर वन का वापस का फुल रिव्यू और नवंबर वन का वापस का फुल रिव्यू। सो सबसे पहले दिखाती हूँ आप लोग को नवंबर वन का वापस का फुल रिव्यू। नवंबर वन का जो वापस है उसका इंटरफेस आप लोग को जैसा देखने के लिए मिलेगा। नवंबर वन के वापस के अंदर आप लोग को ये वाला जो फीमेल का बंडल है ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। जो फीमेल की बंडल है इसका आप लोग यहाँ पे रिव्यू देख सकते हो, क्या ये मस्त लग रहा है। और इसका ऊपर में आप लोग को हुडी टाइप देखने के लिए मिल जाएगा, बनी के बंडल का ऊपर रहता है वैसा लग रहा है। और जो फेस है इसमें भी आग चल रहे और पैंट वगैरह भी अच्छा खासा लग रहा है। सो ये फीमेल के बंडल देखने के लिए मिलेगी नवंबर मंथ के पर्पस के अंदर। जो फीमेल की बंडल है इसके ऊपर में हुडी और ऊपर में आप लोग को हेड मिल जाएगा जो खुल रहा है और बंद हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर लग रहा है। और पूरा का पूरा जो फीमेल का बंडल है बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। और नवंबर मंथ के पर्पस के अंदर आप लोग को ये वाला मैल का बंडल देखने के लिए मिलेगा। जो मैल का बंडल है इसमें भी आप लोग को हुडी टाइप देखने के लिए मिल जाएगा, शूज और पैंट और ऊपर में हैड मिल जाएगा। जो हैड है ये खुद ही बंद हो रहा है और खुद ही खुल रहा है, पूरा ही लेजेंडरी बंडल है। और आप लोग को नवंबर मंथ के वापस के अंदर बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। अगर पेपर्स परचेस करोगे तो इतना बहुत ही अच्छा लेजेंडरी बंडल है मैल का। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो इसका जो ऊपर का हेड है ये बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, खुद ही बंद हो रहा है और आग टाइप यहाँ पे जो एनिमेशन और इफेक्ट आ रहा है क्या ही मस्त है। और इसके पैन में भी अच्छा खासा एनिमेशन और इफेक्ट आप लोग को देखने के लिए मिल जा रहा है। और इस बंडल में आप लोग ऊपर हैड जो हुडी है पैंट है शूज है ये सब आप लोग को देखने के लिए मिल जा रहा है। सो ये मेल और फीमेल का बंडल आप लोग को नवंबर मंथ के वापस के अंदर में देखने के लिए मिलेगा जो बहुत ही कमाल का है। फिर नेक्स्ट आप लोग को ये वाला जो इमोट आप लोग देख रहे हो क्या ही खतरनाक इमोट है। आप लोग पूरा ही बड़ा सा आग का गोला बनाओगे जिसको पैर के नीचे रख के कुचल दोगे। सो ये वाला जो इमोट है ये बहुत ही ज़्यादा भी लग रहा है। और ये वाला इमोट आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा नवंबर वन के वापस के अंदर। एक आप लोग नवंबर वन का वापस परचेस करोगे तो आप लोग को ये वाला इमोट बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी है। और फिर आपको नेक्स्ट देखने के लिए मिल जाएगी MB40 के लेजेंडरी गन की स्किन। MB40 की लेजेंडरी वाले जो स्किन है ये आप लोग को मिल जाएगी नवंबर मंथ के वापस के अंदर से। फिर आप लोग को ये वाला जो लिटफॉक्स का स्किन है जो हेलोवीन की थीम में है ये भी आप लोग को नवंबर मंथ के वापस के अंदर में मिल जाएगा। तो ये वाला लिटफॉक्स का स्किन मिल जाएगा और MB40 की लेजेंडरी गन की स्किन मिल जाएगी हेलोवीन थीम में जिसका एनिमेशन और इफेक्ट देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ओपी है। फिर आप लोग को मिल जाएगी स्काईवुड की स्किन। स्काईवुड की जो स्किन है इसका फिर एनिमेशन जो आ रहा है यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो पूरा ये आग वाला है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर लग रहा है। सो ये वाला स्काईवुड का स्किन आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आप लोग को ग्रेनेड की स्किन देखने के लिए मिलेगी। जो माचिस का डिब्बा होता है वैसे यहाँ पर फूट रहा है और आग निकल रहा है, अच्छा खासा ग्रेनेड का स्किन है जो आप लोग को मिलेगा नवंबर मंथ के वापस के अंदर। और फिर आपको एक कार की स्किन देखने के लिए मिल जाएगी थीम वाली, सो ही कार का स्किन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आप लोग को ये वाले जो चाकू की स्किन है हेलोवीन थीम में ये भी आप लोग को मिल जाएगा नवंबर मंथ के वापस के अंदर। सो नवंबर मंथ के वापस के अंदर आप लोग को इतने ही आइटम्स देखने के लिए मिलेगा जिसका आप लोग यहाँ पे पिक भी देख सकते हो। ये सारे आइटम्स आप लोग को नवंबर मंथ के वापस के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा जिसका रिव्यू मैंने आप लोग को करा दिया। अब चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ अक्टूबर मंथ का वापस का फुल रिव्यू। अक्टूबर मंथ के वापस के अंदर आप लोग को सबसे पहले ये वाले जो फीमेल का बंडल है ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। जो फीमेल का बंडल है इसका आप लोग रिव्यू देख सकते हो, इसमें भी आप लोग को हुडी टाइप देखने के लिए मिल जा रहा है जिसका ऊपर में आप लोग को हुडी भी देखने के लिए मिल जा रही है टोपी, और ये हाफ वाला हुडी टाइप लग रहा है। बाकी जो फीमेल का बंडल है ये देखने में अच्छा खासा लग रहा है और ज़्यादा एनिमेशन और इफेक्ट नहीं है, बट सो यहाँ पे ऊपर में टी शर्ट और टॉप में आ रहा है ये अच्छा खासा लग रहा है। फिर इसका जो मेल पर्सन है मेल का बंडल में फिर आप लोग को अच्छा खासा देखने के लिए मिल जा रहा है, हुडी टाइप आप लोग को शर्ट देखने के लिए मिल जा रहा है, फिर नीचे आप लोग को पैंट देखने के लिए मिल जा रहा है और पैंट में भी आप लोग को अच्छा खासा इफेक्ट देखने के लिए मिल जा रहा है।
जो हंस रहा है, और बाकी आप लोग को यहाँ पे जो बंडल है मेल का, ये फिर फीमेल बंडल से बहुत ही अच्छा खासा लग रहा है इस बार का मेल का बंडल। और फिर आपको देखने के लिए मिल जाएगी वाल की स्किन, जो वाल की स्किन है उसका रिव्यू भी देख सकते हो, क्या ही अच्छा लग रहा है। मस्त हेलोविन के थीम में वाल की स्किन मिल जाएगी। फिर आप लोग को ये वाले जो ड्रग गैरी की स्किन है, ये आप लोग को मिल जाएगी 8 मंथ के वापस के अंदर। फिर नेक्स्ट आप लोग को ये वाले जो पैन की स्किन है, जो पैन की स्किन है इसमें अच्छा खासा एनिमेशन आ रहा है, इफेक्ट भी आ रहा है। सो ये वाला पैन का स्किन आप लोग को मिल जाएगा 8 मंथ के वापस के अंदर। और फिर आपको ग्रेनेड की स्किन देखने के लिए मिल जाएगी, जो ग्रेनेड की स्किन फूट रही है, बहुत ही अच्छा खासा लग रहा है देखने में। और फिर आप लोग को नेक्स्ट डे वाली जो उनकी स्किन है M249, ये वाली इनके स्किन लेजेंडरी आप लोग को 8 मंथ के वापस के अंदर से मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट आप लोग को ये जो टिफ वाला लूट बॉक्स स्किन है, ये आप लोग को मिल जाएगी, और बैक पैक की रिव्यू अभी तक नहीं आई है, बाकी आप लोग को 8 मंथ के वापस के अंदर ये सारे ही आइटम्स और रिवॉर्ड्स और बंडल देखने के लिए मिलेगा, जो कि आइटम्स है और रिवॉर्ड्स वगैरह 8 मंथ के वापस के अंदर जो भी आएगा बहुत ही अच्छा खासा आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, बस इमोट देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब चलो सेप्टेम्बर 1 का वापस का फुल रिव्यू कराती हूँ। सेप्टेम्बर 1 के वापस के अंदर सबसे पहले आप लोग को पायरोट के थीम में देखने के लिए मिलेगा, तो ये फीमेल का बंडल देखने के लिए मिल जाएगा। फिर लुटबॉक्स स्किन आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी, जो लुटबॉक्स स्किन है ये फ्री में मिल जाएगी। फिर आप लोग को अवतार मिल जाएगा, बाइक का स्किन आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी लुटबॉक्स स्किन, जो लुटबॉक्स स्किन है इसके अंदर से ऑक्टोपस निकल रहा है, ऑक्टोपस का जो हाथ है या फिर पैर है वो निकल रहा है। फिर नेक्स्ट आप लोग को स्काईबोर्ड की स्किन देखने के लिए मिल जाएगी, जो स्काईबोर्ड की स्किन है ये फिर ऑक्टोपस की थीम में है, और अच्छा खासा इसमें एनिमेशन आ रहा है और देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है स्काईबोर्ड का स्किन। फिर आप लोग को फ्री का अवतार मिल जाएगा। फिर आप लोग को ये वाले जो हुड वेरिएंट की स्किन है, ये आप लोग को मिल जाएगी लेजेंडरी सेप्टेम्बर 1 के वापस के अंदर से। जो हुड वेरिएंट की स्किन है ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा लग रहा है। फिर आप लोग को नेक्स्ट मिल जाएगा पैन का स्किन, वो फिर नक्शा वाला पैन का स्किन आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा 60 लेवल में। और फिर नेक्स्ट आप लोग को 70 लेवल में जो चश्मा है ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, और चश्मा भी आप लोग को ऑक्टोपस का जैसा कलर में ही देखने के लिए मिल जाएगा, लाइट ग्रीन टाइप में लग रहा है। बाकी फिर आप लोग को बैकपैक की स्किन देखने के लिए मिल जाएगी, जो बैकपैक की स्किन है ये पूरा ही ऑक्टोपस लटका है वैसा है। फिर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी ग्रेनेड की स्किन, जो ग्रेनेड की स्किन है ये फिर अच्छा खासा फूट रहा है, कितना छोटा सा निकल रहा है। फिर आप लोग को इमोट देखने के लिए मिल जाएगा टैंक वाला, जो कि टैंक से फ्लैग निकाल रहा है। सो ये वाला जो इमोट है ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। सो सारे आइटम्स पायरेट की थीम में आने वाला है, और सो आप लोग बंडल देख रहे हो मेल का, ये फिर आप लोग को पायरेट की थीम में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका ऊपर का जो टी शर्ट है बहुत ही ज़्यादा ओपी है, बल्कि नीचे के पैंट में इसका एक पैर ही नहीं है। और हेयर भी अच्छे खासा मिल जाएगा, चश्मा टाइप दिख रहा है पर चश्मा नहीं है, गुंडा टाइप है। सो ये मेल का बंडल देखने के लिए मिलेगा सेप्टेम्बर 1 के वापस के अंदर। और सेप्टेम्बर 1 का जो वापस है वो तो आप लोग को पता ही है, 2-3 दिन के बाद में आ ही जाएगा 1 सेप्टेम्बर को ये वाला पूरा पास। और बाकी आप लोग को जो 8 मंथ का वापस के अंदर कौन से रिवॉर्ड देखने के लिए मिलेगा, और 9 मंथ के वापस के अंदर क्या क्या आने वाला है सब मैंने आप लोग को दिखा दिया। 8 के अंदर इमोट नहीं आएगा, 9 मई के अंदर आएगा, और नेक्स्ट सेप्टेम्बर के अंदर भी इमोट आएगा। तो चलो गाइस, टाटा बाय बाय।